हेलो फ्रेंड, चंदा जी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने किचन में चिकन कीमा कोफ्ता बना रही हूँ। उसके लिए मैं ये 100 ग्राम कीमा ली हूँ और इसमें मैं अदरक थोड़ी सी लहसुन और मिर्च का ये पेस्ट है, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर और जीरा पाउडर सब मैं डाल दी हूँ। और अब मैं इसमें एक चम्मच भर के घी डाल देती हूँ। इससे आपका कोफ्ता है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और प्याज। और अब मैं इसमें थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर और मैदा मिला दे रही हूँ। ये बैटरी का काम करता है। इसे मैं अच्छे से हमारा कोफ्ता थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर से इसमें मैदा का कोटिंग भी कर दी हूँ। और तेल हमारा गर्म है, मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। दो मिनट बाद में इसे हमारा कोफ्ता बन चुका है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। अब मैं अपनी ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। टाइम को मैं पूछ देती हूँ फ्रेंड। मैं इसमें इसी तेल को डाल देती हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी अदरक लहसुन और ये प्याज और टमाटर का पेस्ट है, इसे मैं डाल देती हूँ। एक हरी मिर्च है, सारे को मैं डाल दी हूँ। ये देखिए तेल हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, एक लौंग और एक इलायची डाल दी हूँ। और थोड़ी सी मैं इसमें हींग डाल देती हूँ। और नेक्स्ट मैं अपने सारे मसाले को, ये मेरे पास है फ्रेंड धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, सारे को मैं डाल दी हूँ। और ये गरम मसाला पाउडर सब कुछ मैं डाल चुकी हूँ इसमें। 2 मिनट मैं इसे भूनती हूँ। थोड़ी सी पानी मैं डाल देती हूँ ताकि मसाला हमारा जले नहीं। देखिए मसाला हमारा भून चुका है फ्रेंड। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच दही ली हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें मिर्च पाउडर भी डाल दी हूँ। और 1 चम्मच मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल देती हूँ। मिल्क पाउडर डालने से आपका कोफ्ता का जो कलर है वो बहुत अच्छा हो जाता है, ग्लेज आ जाता है कोफ्ता करी में। पानी मैं इसमें और डाल देती हूँ। ये देखिए मसाला हमारा कितना अच्छा से भून चुका है। अब मैं इसमें ये हॉट चिली सॉस है, इसे डाल देती हूँ। 2 मिनट मैं इसे भी भून देती हूँ फिर। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ी सी काजू पाउडर है हमारे पास और थोड़ी सी मगज, ये दोनों मैं डाली थोड़ा ही डाली हूँ। इससे जो आपका कोफ्ता है उसका टेस्ट जो है लाजवाब हो जाता है। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ।
पानी डाल दी हूँ फ्रेंड, और अपने कोफ्ते को इसमें डाल के 2 मिनट में कवर करके ये देखिए ये पक चुका है फ्रेंड। अब मैं ऊपर से इसमें 1 चम्मच घी डाल देती हूँ और इसे मैं डिसॉल्व कर देती हूँ। सारे कुछ मैं डाल चुकी हूँ, इसे मैं अब ऊपर से मैं इसमें ये हमारे पास फ्राइड प्याज है वो डाल दी हूँ, थोड़ा सा धनिया पत्ता और हरी मिर्च, और ऊपर से मैं इसमें क्रीम डाल दी हूँ। देखा आपने हमारा चिकन कोफ्ता, चिकन कोफ्ता बनके तैयार है। तो आप भी अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स ज़रूर दें कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बाय बाय, थैंक यू।